नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवन लाइव पर। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को बीफ खाने के पुराने बयान पर है घेरा। विक्रमादित्य ने कंगना का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर लिखा, हिमाचल देवी देवताओं का है पवित्र स्थल, हिमाचल है देवभूमि जहां गोमांस का सेवन करने वाले लड़ रहे चुनाव, यह हमारी संस्कृति के लिए है चिंता का विषय जिसका राजनीति से नहीं है कोई सरोकार। हिमाचल से कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को हिमाचल हाई कोर्ट में एक दायर की याचिका, इसमें उन्होंने मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्ची से विजयी घोषित करने के नियम को दी है चुनौती। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया बयान कि यदि दो प्रत्याशी को मिले हैं बराबर बराबर वोट, उस सूरत में लॉटरी निकालने का जो है फॉर्मूला वह है गलत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिया बयान कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र है एक झूठ का पुलिंदा। हिमाचल के विधानसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस पार्टी द्वारा 10 गारंटी देने के साथ साथ एक घोषणा पत्र भी किया गया था जारी। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा की गई थी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब हिमाचल में कांग्रेस की बनी सरकार तो मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर ही अपनी पार्टी द्वारा दी गई गारंटियों से मुकर गए साफ। हिमाचल की सियासी जमीन पर पिछले 4 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लगभग 25% वोटों का इजाफा कर लगाई है लंबी छलांग। 20 सालों की अवधि में पार्टी ने अपनी सांगठनिक ताकत को बढ़ाया तेजी से और चुनावी रणनीति को धार देकर वोट प्रतिशत 69% तक पहुंचाने में रही कामयाब। कांग्रेस पर इसका पड़ा है सीधा असर। नवरात्र में इस बार जागरण, भंडारा या हवन पाठ के दौरान नेताजी पूजा की थाली में नहीं चढ़ा पाएंगे भारी भरकम चढ़ावा। लोकसभा चुनाव से पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच 9 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र। नवरात्र के दौरान राजनीतिक पार्टियां, प्रत्याशी या नेता आचार संहिता का न करें उल्लंघन, इसके लिए चुनाव आयोग हर गतिविधि पर रखेगा कड़ी नजर। लोकसभा चुनाव के चलते हिमाचल की सीमाओं पर अधिक पुलिस बल कर दिया गया तैनात। प्रदेश में न हो वह शराब के और नशीले पदार्थों की तस्करी, इसके चलते बॉर्डर जिला के बैरियर पर बढ़ाई गई है चौकसी। प्रदेश के प्रवेश द्वार पर गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही करने दिया जा रहा है प्रवेश। हिमाचल में आने जाने वालों पर पुलिस की है कड़ी नजरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजधानी शिमला आने का कार्यक्रम 15 अप्रैल को होगा फाइनल। 30 अप्रैल से 5 मई तक राष्ट्रपति के शिमला आने की है संभावना। 1 मई को बागवानी विश्वविद्यालय नौड़ी के दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति के जाने की है चर्चा। हालांकि 15 अप्रैल को होने वाली बैठक में ही दौरे को दिया जाएगा अंतिम रूप। हिमाचल में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार नहीं लगा पाई है महंगाई पर लगाम। लोकसभा चुनाव में हर बार महंगाई का बनता है मुद्दा। दूसरी ओर डिपो में सब्सिडी पर मिलने वाले राशन की मात्रा भी हो रही है कम। ऐसे में सब्सिडी के राशन से भी नहीं भर रहा है पेट। पहले लोग राशन डिपो पर रहते थे निर्भर, लेकिन अब इनमें पहले के मुकाबले आटा चावल की मात्रा हो गई है कम। हर 3 महीने बाद दालों और तेल के बढ़ रहे हैं रेट। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर चक्की मोड़ में भूस्खलन को रोकने के लिए नई तकनीकी से ठिकाया जाएगा पहाड़ी। अब कंक्रीट वॉल और क्लाउडिंग तकनीकी का किया जाएगा इस्तेमाल। वर्तमान में फोलेन निर्माण कर रही ग्रिल कंपनी की ओर से किया जाएगा यह कार्य। कंक्रीट वॉल की लंबाई मौके पर होगी निर्धारित, इससे वाहन चालकों को मिलेगी काफी सुविधा, वही दुर्घटना का अंदेशा भी हो जाएगा कम। हिमाचल में अभी भी ठीक नहीं है हालात। मौसम की मार से प्रदेश में अभी भी 3 राष्ट्रीय राजमार्ग, 170 सड़कें हैं बंद। हिमपात के कारण मार्ग बंद होने से करीब 3 माह से पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे थे कोकसर। लाहौल स्पीति का पर्यटन स्थल कोकसर पर्यटकों के लिए हो गया बहाल। पर्यटकों के करीब 200 वाहन मनाली से कोकसर हुए रवाना। हिमाचल में 3 दिन पहले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर रहने के कारण नहीं हुई है वर्षा। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवन लाइव।